फरवरी मार्च का महीना और गार्डन में होते हैं बहुत सारे काम, प्रूनिंग, कटिंग, रीपॉटिंग, खाद वगैरह डालना और ना जाने कितने काम। तो मेरा भी गार्डन पूरा फैला पड़ा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। कल जो मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो आपने देखा होगा, उसमें मैंने कटिंग से लगने वाले फूलों के, गर्मियों वाले पौधों के बारे में बताया था। तो आज मैंने ये जो पेंटास का पौधा है, मैंने इसका जो मदर प्लांट है मैंने उसकी कटिंग की है, हार्ड प्रूनिंग की है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। तो मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप भी अपने पेड़ों में अगर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो ये फरवरी मार्च के महीने में आप कटिंग लगा सकते हैं। तो स्वागत करती हूँ, मैं हूँ रजनी आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में। तो पूरा गार्डन फैला पड़ा है मेरा, आप देख रहे हैं जगह 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 चीजें, पत्ते उड़ रहे हैं जैसे तूफान आया हो, पर तूफान नहीं आया, मैं ही आई हूँ यहाँ पर तूफान की जगह। तो मैंने अपने पेड़ों को, पौधों को थोड़ा काटा पीटी की है आज। तो ये रहा उसका मदर प्लांट पेंटास और ये रही उसकी हार्ड प्रूनिंग करके मैंने जो निकाल दी है। तो इस तरह से मैं और भी पौधों की करूँगी, पर एक ही पौधे का कर देना आपको समझ में आए, मैंने बस इसलिए वीडियो बनाया जो नए गार्डनर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ये देखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करेंगे। फरवरी मार्च में बहुत ज़रूरी है पेड़ों की देखभाल, क्योंकि आगे गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों में पेड़ों को बचाए रखना और अच्छे से फूल और फल देना ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है मार्च और फेब का। अगर आपने फेब में नहीं किया है तो अब मार्च लास्ट है, क्योंकि अप्रैल में बहुत गर्मियाँ हो जाती हैं। तो अब मार्च में जो आप काम कर सकते हैं वो है रीपॉटिंग, प्रूनिंग, कटिंग, और अगर आप कलम लगाना चाहते हैं या कटिंग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है। और जो गर्मी के फूलों वाले और सब्जियों वगैरह जो आप लगाएंगे उनमें खाद वगैरह डालने का टाइम है। तो मेरे पास ये पेंटास का पेड़ था, पौधा मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, बहुत बड़ा था, ये पूरी कटिंग पड़ी हुई है इसकी चारों तरफ, इतनी बड़ी बड़ी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है इसकी। क्यों? क्योंकि ये पूरा यहाँ आप देख रहे हैं इतनी मोटी मोटी डालें हैं इसमें, ये पूरी ऐसे नीचे बड़ी बुरी तरह से गिरी हुई थी जो कि सुंदर नहीं लग रहा था। तो अगर आपके भी प्लांट ऐसे हो गए हैं, सर्दियों में थोड़े डैमेज हुए हैं, ख़राब हुए हैं और टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो आप उसको इस तरह से ये कट कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर दिया। कोई भी पौधा हो, और ये इनकी कटिंग भी बहुत अच्छे से मैंने लास्ट वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो उसमें दिखाया था कि कटिंग से कौन कौन से फूलों वाले गर्मियों के पौधे लग सकते हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, फूलों से आपका गार्डन पूरा भर जाएगा गर्मियों में भी। तो इस तरह से पूरी तरह से मैंने जड़ से थोड़ा थोड़ा ये छोड़ दिया है नीचे, ये आप देख रहे हैं। और इसमें मैंने गोबर की खाद भी डाल दी है, ये वक्त है खाद डालने का, ये सड़ी हुई गोबर की खाद है, इसको मैंने मिट्टी के साथ मिक्स करके इसमें चारों तरफ से मिट्टी पूरी अच्छे से जहाँ तक जड़ें मुझे नज़र आई उसके थोड़े और नीचे तक निकाल के मिट्टी को मैंने गोबर और मिट्टी मिक्स करके रिफिल कर दिया इसको और ये काट दिया। पहले मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं पर मेरे हाथ इतने गंदे हो रहे थे कि तो मैंने सोचा मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ। जो नए मेरे व्यूअर्स हैं जो गार्डनिंग करने के शौकीन हैं उनको, तो बस आपको अगर आपके पास पुराने पौधे हैं तो मार्च में आप कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। और ये जो प्लांट देख रहे हैं कुछ लेगी प्लांट्स हैं इसमें, बहुत लंबे लंबे हो गए, नीचे पत्ते नहीं हैं और ये सर्दियों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते नहीं। तो इस तरह के पौधों को आपके अगर इस तरह के लंबे ये पूरे डंडियाँ जो दिख रही हैं लेगी प्लांट्स बोलते हैं, तो आप इनको क्या करेंगे, आपको जितनी लेंथ चाहिए उससे भी तीन चार लगभग 5 इंच नीचे तक काट देंगे, क्योंकि ग्रोथ होगी और वो काफ़ी ऊँच ऊपर तक जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि मैं जो भी प्लांट्स हैं मेरे पास सब कटिंग से लगने वाले हैं, मैंने तो ये नर्सरी से ख़रीदे थे क्योंकि कोई सोर्स नहीं था। पर मैं आपको बता दूं कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें सारे कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी प्लांट आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो मैं इसको नीचे से कट कर दूँगी
ताकि, इनफैक्ट आज नहीं कट करूँगी मैं, पर आपको बता देती हूँ यहाँ से मैं पूरा उड़ा दूँगी मैं इसको, ये इतना। तो नीचे से जो ग्रोथ होगी तो ये घना हो जाएगा, तो आप घना भी कर सकते हैं इस तरह से प्लांट को। तो मार्च में खाद डालना, कटिंग करना और कटिंग लगा देना। मैंने बोगनविलिया के कुछ कटिंग्स लगाए हैं, कुछ पेंटास के कटिंग लगाए हैं, कुछ गुलाब के भी मैंने कटिंग लगाए हैं। ये पेंटास की कटिंग है, आप देख रहे हैं, और ये पेंटास की है, इसमें मटकी में मैंने लगाई है। और बोगनविलिया की भी मैंने कहीं तो लगाई है, मैं भूल गई हूँ शायद, क्योंकि इतने सारे गमले हैं, मैंने कहीं कहीं बहुत सारी कटिंग। हाँ ये रही, ये मैंने बोगनविलिया की दो कटिंग लगाई है, एक ये रही एक ये रही। और ये मैंने गुलाब की कटिंग लगाई है अभी काट के, तो उम्मीद है हो जाएगी, ज़्यादातर हो जाती हैं, बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि मर जाए कटिंग। तो इस तरह से आप अपनी प्रूनिंग करें, हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है मार्च में, और खाद की ज़रूरत है, और पूरी गर्मियों भर के लिए ये पौधे तैयार हो जाएंगे। एक बार गोबर की खाद डालिए इसमें, और मैं खाद पे बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी, बहुत जल्दी जल्दी। मैंने यूट्यूब पे देखा कि हर 10 दिन में, हर 15 दिन में खाद डाल रहे हैं, कभी केला फर्टिलाइजर, बनाना फर्टिलाइज़र, कभी खली और ये वो। मैं बताऊंगी एक आपको सिंपल सा समाधान, और लॉजिक के साथ बताऊंगी मैं आपको, ताकि आपकी गार्डनिंग हो जाए बहुत ही आसान। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत छोटा सा है पसंद आया, पिछला वाला बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स मैंने बताए थे, तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आए, तो इसलिए मैंने सोचा एक मैं छोटा सा बना देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है मार्च का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी गार्डनिंग।